नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पितृपक्ष के समय में आप चार विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों इन्हें रखने से आपकी जून काल में आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। या दोस्तों आपके सारे ग्रह दोष भी इनसे समाप्त हो जाएंगे और आपके जून काल में लगातार खुशियाँ पड़ती रहेंगी। जो भी संकट समस्याएँ हैं वह दूर हो जाएंगी। या दोस्तों आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृदेव हमारे लिए बहुत सारी दुआएं देते हैं जिनसे हमारा जीवन काल बिल्कुल ही धन्य हो जाता है। जी दोस्तों, और दोस्तों उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन दोस्तों यश में आपको ग्रह दोष समाप्त करने हैं तो दोस्तों यश में जो ग्रहों की स्थिति होगी उनमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाए। साथ ही कुछ ऐसे सरल उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें करने से आपके पितृदेव भी यश में प्रसन्न होंगे और जून काल में आपकी कभी भी कोई संकट, कोई परेशानी और कोई भी बाधा नहीं आएंगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सत्यनारायण जी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय सत्यनारायण जरूर लिखिएगा। भगवान शनिदेव और सत्यनारायण जी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल के कष्ट आने से पहले ही खत्म होंगे। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आपका सोच समझकर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको अवश्य ही अपने कार्यों में सफल करेगा। कोई रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर ही हो जाएगी। इसको प्रांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में सामाजिक क्रियाकलापों पर अवश्य ध्यान दें। ज़्यादा आत्मकेंद्रित होना भी मान हानि दे सकता है। कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें अगर आप कभी कभी किसी विषय को गहराई से जानने की आपकी इच्छा भी आपको अपने विशेष लक्ष्यों से भटका सकती है तो दोस्तों यश में आपको इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित बातों पर यश में आपका अधिक ध्यान बना रहेगा। पैसे से संबंधित तकलीफें को दूर करने के लिए आपकी कोशिश समय जारी रहेगी और इनकी वजह से किसी बड़ी समस्या का समाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यश में आप पर बने हुए कर्जे को दूर करने की आपकी कोशिश जल्द ही सफलता में बदलने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण भी कर रहा है। आप अपनी सूझबूझ तथा बुद्धिमत्ता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को सफल आप कर पाएंगे। दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत ही उत्तम शब्द होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना जरूरी होगा। दोस्तों यश में अपने गुस्से पर काबू रखें तथा गैर कानूनी कार्यों में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए मिला जुला ये जो समय है फल देने वाला समय होगा। दिन की शुरुआत में सफलता तो आपको मिलेगी लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी आपकी कठिनाइयाँ बढ़ सकती है, काम आपका बढ़ सकता है। आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको परिवार का खास व्यक्ति या फिर भाई का बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपके नजदीक आएगी। हर बात को गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। आय के उचित मार्ग भी यश में प्राप्त होंगे। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ होने की भी योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में बदलते परिवेश की वजह से आप जो भी प्लानिंग किए हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बीमा या फिर निवेश संबंधी कार्यों के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों आपसी मेल मिलाप आपको यश में खुशी देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अधिकतर समय घर से बाहर गतिविधियों में भी बीत सकता है परंतु इसका कोई उचित परिणाम भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है, इस बात पर ध्यान दें जिसका असर आपके श्वास पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों इनको लेकर यश में आपको सचेत रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि सेहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। काम की बातें की वजह से आपकी भागदौड़ी बढ़ सकती है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है।
कुछ बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत भी यश में आपको पड़ सकती है। करीबी लोगों से खुलकर मदद मांगने की आवश्यकता होगी, अवश्य आपको मदद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यावसायिक स्थल पर कुछ सुधार संबंधी परिवर्तन होंगे, उसमें वास्तु समस्त नियमों का अवश्य पालन करें। दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां होने की संभावना बन रही है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह आप यश में अवश्य लें। इसके उपरांत दोस्तों मार्केटिंग व फिर सेल्स से संबंधित कार्यों को पूरे ना होने की वजह से यश में आपके ऊपर तनाव भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, कार्यस्थल पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए तथा वर्तमान के कार्यों पर ही आपको ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। दोस्तों कर्मचारियों की गतिविधियों में संबंधित परेशानी खड़ी हो सकती है, परंतु दोस्तों तनाव लेने के बजाय समझदारी से हल निकालना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा, तो इन पर ध्यान दें। इनसे दोस्तों आप समस्या का हल भी निकाल पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में खान पान से संबंधित व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार आएगा। अपने काम की क्वालिटी पर और अधिक ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। ऑफिस में भी काम की जो है बहुत अधिक अधिकता रहेगी। ओवर टाइम भी आपको यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि नई नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता प्राप्त हो सकती है और कहीं पर आपको एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की आपको जरूरत होगी। जल्दबाजी ना करके धैर्यपूर्ण कार्यों को संपन्न करें, दोस्तों ये आपके लिए उचित होंगे। यश में नौकरी में कोई प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। जो भी यश में नौकरी में जातक हैं उनके लिए यश में चांदी ही चांदी रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में जीवनसाथी के साथ संबंध आपका मधुर बना रहेगा तथा घर परिवार की जरूरतों पर भी आपको ध्यान देना आपके लिए यश में जरूरी होगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि जाने अनजाने में पार्टनर के प्रति लापरवाह आप हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में इन सब चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके उपरांत दोस्तों अत्यधिक व्यवस्था के कारण परिवार पर आपका ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से घर में अव्यवस्था भी रह सकती है। तो दोस्तों सब काम के साथ साथ आपको घर परिवार को भी समय देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा बना रहेगा। नजदीकी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बनाकर रखने में आपका योगदान जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में और अधिक यश में मधुरता बढ़ने वाली है। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में अत्यधिक काम की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। कुछ समय हल्के फुल्के मनोरंजन में भी व्यतीत करें और मेडिटेशन में भी अवश्य ध्यान दें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि गुस्से और उत्तेजना पर आपको काबू रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है, तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों नजला जुकाम जैसी परेशानी भी आपकी बढ़ सकती है। काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें अगर आप सावधानी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य यश में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की स्थिति। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में श्राद्ध करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पितरों का पूजन कर श्राद्ध कर्म किया जाता है। विधि विधान से तर्पण के फल स्वरूप पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के समय सभी पितर पृथ्वी लोक में निवास करते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि उनकी संतान उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करे, कुछ उनके लिए ऐसा उपाय करे ताकि उनको मुक्ति मिले। जी दोस्तों श्राद्ध और फिर तर्पण से कुछ उपाय से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से अपने लोक चले जाते हैं। जो लोग अपने पितरों को तृप्त नहीं करते हैं वे लोग श्राप के भागी बन जाते हैं, जिनकी वजह से उनके जन्मकाल में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है।
पितरों के श्राप के कारण संतान में भी बाधा आ जाता है। जी दोस्तों, इसलिए कुछ विशेष बातों का ध्यान इसमें रखना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए। आपको बता दें कि पितृ पक्ष में पंचबलि का विशेष महत्व है। इसमें प्रथम बलि गाय को, दूसरी बलि श्रवण को और तीसरी बलि काक को, चौथी देवादि बलि देवों के नियमित देव स्थान पर रखें और पांचवी पिपीली कादि बलि चिट्टी को डालें। साथ ही इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें सच्चे मन से अपने पितरों का स्मरण करना है, उनसे माफ़ी मांगना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको उनसे प्रार्थना करना है। तर्पण करते हैं तो पूरे पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करें। पानी में काला तिल, फूल, दूध, कुश मिलाकर तर्पण कीजिएगा। रोज स्नान के समय जल से ही पितरों को तर्पण करें। पितरों के लिए भोजन रखें, फिर उसे गाय, कौवा, कुत्ते को खिला दें। श्राद्ध क्रम सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 के मध्य संपन्न कर लेना चाहिए। श्राद्ध के लिए दोपहर में रूहानी और कुतुब मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। पितरों के देव अर्यमा को अवश्य जल अर्पित करना चाहिए। साथी दोस्तों, यश में आपको क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष के समय लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी भूल से मत कीजिएगा। घर के बुजुर्गों और पितरों का अपमान बिल्कुल ना करें, यह पितृदोष का कारण बन सकता है। पितृपक्ष में स्नान के समय तेल उपटन का प्रयोग वर्जित है। कोई भी धार्मिक या फिर मांगलिक कार्य न करें, ऐसे कार्य अशुभ होते हैं। कुछ लोग नए वस्त्रों को खरीदना और पहनना भी अशुभ मानते हैं। तो दोस्तों, यश में इन सभी बातों का ध्यान रखें, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मालामाल बना देंगे, सारे ग्रह दोष भी यश में समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। साथियों, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपको पितृ मालामाल कर दे।